सो जे ही सुमिरत सिद्धि होई अगन नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अमुको हो ही बचाल पंगु चढ़ाई गिरी बर गहन अज्ञा सुकृपा सदयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन अबंधहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री रामचरित मानस यह एक ऐसा नाम है जो कर्ण तक पहुंचते ही शांति प्रदान करने लगता। इसमें है क्या? परम पिता परमात्मा श्री राम जी का पवित्र चरित्र जो कि बहुत काल तक श्री शिव जी के मानस पटल में पड़ा रहा। और इस पवित्र चरित्र का नामकरण भी भगवान भोलेनाथ ही किए हैं, श्री रामचरित मानस। कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा अपाई सुसमय शिवासन भाखा। इन पवित्र चरित्रों की रचना श्री शिव जी करके बहुत काल तक अपने मानसिक पटल में रखे रहे और उचित समय जब आया, उचित समय का अर्थ है कि जो इस कथा का सुनने का अधिकारी हो, इस कथा को सुनने का अधिकारी हो, तो वह अधिकारी बनी माता पार्वती। ठीक ना? तो कहेंगे कि इसमें अधिकार की क्या बात है, कोई भी कह सकता है, कोई भी सुन सकता है। तो जी नहीं, इस कथा को ना तो सब किसी को कहने का अधिकार है,
ना तो हर किसी को सुनने का अधिकार, तो सबसे पहले जान ले कि कहने का अधिकारी कौन है। तो ऐसा शरीर जिसके चित्त में कोई विकार न हो, जिसके चित्त में कोई विकार न हो, कैसा विकार? जो कि अहम भाव से उत्पन्न होता है। जैसे निजी इच्छा, इंद्रिय सुख की, लोभ और उस लोभ के प्रति वासना कि नहीं यह जरूरी ही है, जहां सांसारिक प्रपंच में जरूरी हो गया, कंपल्सरी अनिवार्य, उसे वासना कहते। किसी पद का इच्छा कि लोग हमको शंकराचार्य कहें, महामंडलेश्वर कहें, गुरुजी कहें, महंत कहें, साधु बाबा कहें, कोई भी पद की इच्छा न हो। मद का जगह नहीं, झूठ कभी न बोले, कपट यानी विचार बाणी और कर्म में कोई अंतर न हो, दंभ यानी कोई वेद से हट के कोई पंथ या संप्रदाय चलाने वाला प्राणी न हो, पाखंड आश्रम मठ कुटिया या भंडारा इन सब प्रपंच में न रहता हो, ममता स्थूल तत्व में कोई ममता न हो, चाहे वह शरीर हो, पत्नी पुत्र घर धन धरती, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी हो, लेकिन उसमें ममता न हो, ना तो किसी से राग हो, ना तो द्वेष हो, ना तो दिखावे की इच्छा हो, ना तो कोई किसी भी पदार्थ का मोह हो, और वह अनैतिक कर्म न करता हो, वेद के विपरीत कोई कर्म जीविकोपार्जन के लिए न करता हो, और परमात्मा के अलावा वह किसी से न डरता हो, शरीर का रोगी न हो, विकल मन या बुद्धि वाला प्राणी न हो, कुकर्म यानी वेदों के विपरीत कर्म करने वाला न हो, उसको ना तो किसी का वियोग हो, ना तो शोक हो, ठीक ना राम खिलौन भाई? शंका यानी संदेह का जगह नहीं, ठगी या चोरी का भाव चित्त को न छूता हो, तामसिक दान की व्यवस्था न हो, काम साधने वाली भक्ति करने वाला न हो। जो काम साधने वाले लोग हैं उनको श्री रामचरितमानस का कहने का अधिकार नहीं है। अपशब्द और धोखा जीवन चरित्र में दोनों का प्रयोग न करता हो।
खट और दर्प, कुटिलता, हिंसा, नास्तिकता, शत्रुता, निर्दयता, दुर्विचार, दुराचार, भ्रष्टाचार या कीर्ति की प्रचंड इच्छा न रखता हो, दिमाग बिल्कुल सरल हो और ऐसा ही समझ ले कि जो चरित्र शरीर के अंदर न हो, चित्त में और शरीर के द्वारा जो चरित्र न हो, उसका उपदेश देने का अधिकारी कोई प्राणी नहीं है। तो अब इसका अर्थ है कि ऐसा प्राणी हो जिसके अंदर श्री राम जी का पूरा चरित्र हो, क्योंकि सकल विकार रहित गत भेदा, सब विकारों से मुक्त और भेद भक्ति से मुक्त तो श्री राम जी हैं। भरत जी का चरित्र हो, लक्ष्मण जी का चरित्र हो, शत्रुघ्न जी का चरित्र हो, तभी सभी कोई जीव श्री रामचरित मानस का कहने का अधिकारी महाराज, तब तक भगवान आके कह सके आदमी के बस के बात नहीं। ठीक, अब रही बात, क्योंकि साफ साफ है, इसको समझा जाए। हनुमान चालीसा हर कोई, काफी लोग पढ़ते हैं पूरे धरती पर, अमेरिका में भी पढ़ते हैं, नहीं हिंदी में, जे भारत के लोग बा तो क्या अमेरिका में गए तो हिंदी भूल जाइए, जने श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर। तो मन का दर्पण बिल्कुल साफ हो, तब जाकर के अधिकार है कि वरनउ रघुबर बिमल जसु, तभी श्री राम जी के बिमल यश के वर्णन करने का अधिकार है। और ऐसी अवस्था में वर्णन होगा तभी मनुष्य जीवन का चारों लाभ, अर्थ, धर्म, काम और मुक्ति, चारों पदार्थ प्राप्त हो। इस अवस्था में यदि श्री रामचरितमानस की कथा कहने वाला प्राणी नहीं है तो संसार जगत कुछ भी करे लेकिन श्री रामचरितमानस का चर्चा न करे, क्योंकि अधिकार नहीं है। वह और जो है मोह को बढ़ाई देगा, नहीं सही सही ज्ञान मिला, चरित्र बा नहीं, और वो लगा सबका धन लूटने, और उसका देख करके और लोग जुट गए कि गुरुआ इसे कहला तक रे क्या खूब लोग आवा लेन, तो हम ऐसे ही कहो हमारो क्या खूब आई है, हम सबका धन चला कर न। तो कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, इसके हिसाब से तो धरती पर किसी को रामायण कहना ही नहीं चाहिए, नहीं अपने घर में पढ़िए, दरवाजा बंद करके कोई जाने ना, सीखिए, ठीक ना। अब रही बात कि अच्छा मान लेते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बन ही गया प्रभु के कृपा से, तो सुनने वाले के अंदर क्या होना चाहिए, तो सुनने वाले के लिए सबसे पहले तो वह ब्राह्मण के चरणों का
प्रेमी हो। ब्राह्मण के चरणों का और ब्राह्मण के चरण है शम यानी मन निग्रह, दम यानी इंद्रिय निग्रह, तपस्या पवित्रता, क्षमा सरलता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। ऐसा प्राणी जिसके चित्त में इन सबके प्रति प्रेम हो और यह अच्छे से विश्वास हो कि मात्र आत्मा ही शरीर का स्वामी है, मैं कुछ हूं नहीं, माने अहम का भाव न रखता, कामी क्रोधी लोभी या हठी, हठी होते हैं वे दूसरे की बातें नहीं सुनते, बस अपना ही रौ दे, तो ऐसे व्यक्ति सुनने के अधिकारी नहीं है जिसके अंदर ये सब चीज। और चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, अर्थार्थी या सबसे नीचे अर्थी, जो कि भगवान की भक्ति सिर्फ धन के लिए करते हैं, वो सबसे नीचे के प्राणी हैं। दूसरे हैं आरत यानी दीन, जिनको किसी का सहारा नहीं है, मात्र भगवान का नाम लेके ही सब काम। तीसरे हैं जिज्ञासु और चौथे हैं ज्ञानी। तो जो इन चारों के कैटेगरी में आए उनको रामायण सुनाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन अर्थार्थी का अर्थ क्या हुआ वो समझिए, जो धन का प्रयोग सिर्फ धर्म के कार्य में करता हो, उस अर्थार्थी की बात है, वो घर चलाने वाला अर्थार्थी नहीं, या आश्रम चलाने के लिए अर्थ चाहिए वो नहीं, चेला का पालन पोषण करना उसके लिए अर्थ चाहिए वो ठीक ना। तो यह ऐसी व्यवस्था है श्री रामचरितमानस, जो कि चारों वेद, छओ शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़ है। माने यह जानकारी प्राप्त होने के बाद फिर न तो वेद अध्ययन की आवश्यकता रह जाएगी, न तो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता रह जाएगी और न तो पुराण ही पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो जाने ये चारों वेद क्या होते हैं, छओ शास्त्र क्या होते हैं, 18 पुराण क्या होते हैं, ठीक ना। पहले इसको जान लें। तो चार वेद में पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 6 शास्त्र है, न्याय, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य छात्र
सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र, ठीक ना। और छह वेदांग भी हैं, शिक्षा, उंगली पर गिन लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो चार वेद हो गए, छह शास्त्र हो गए और छह वेदांग हो गए और 18 पुराण होते हैं, ठीक ना। जिसमें पहला है ब्रह्म पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। दूसरा है पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोक हैं। तीसरा है विष्णु पुराण, जिसमें 23,000 श्लोक हैं। चौथा है शिव पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक है, श्लोकी है ना। और श्रीमद् भागवत, जिसमें 18,000 श्लोक है। नारद पुराण है, इसमें भी 25,000 श्लोक। मार्कंडेय पुराण, जिसमें 9,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण, जिसमें 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण, जिसमें 14,005 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है। लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोक हैं। 11वां हुआ। 12वां हुआ वाराह पुराण, जिसमें भी 24,000 श्लोक। 13वां हुआ स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक है। 14वां है वामन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक है। 15वां है कूर्म पुराण, जिसमें 17,000 श्लोक है। 16वां है मत्स्य पुराण, जिसमें 14,000 श्लोक है। 17वां है गरुड़ पुराण, जिसमें 19,000 श्लोक है। और 18वां है ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोक। कुल को जोड़ देंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ श्लोक और उसका अर्थ जानने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा, ठीक ना, जो कि एक जन्म में संभव। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सरजू भाई को तो सुन के 1 नंबर आ गया, ठीक ने। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन सभी वेदों, शास्त्रों एवं वेदांग और पुराणों का निचोड़ श्री रामचरितमानस रूपी एक ग्रंथ में डाल दिया गया, ठीक ना। तो अब जब 6 महीने के आसपास लगता है ये पूरा एक एक शब्द को समझने के लिए, इसके लिए अब करोड़ों जन्म की जरूरत
नहीं है। तो हर एक प्राणी को मनुष्य जन्म मिला है तो यह तत्व ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वह मनुष्य का जीवन जीने का प्रयास करेगा ने। तो देखें, श्री रामचरितमानस को प्रारंभ करने के पूर्व इस बात को अच्छे से समझ लिया जाए कि जब तक प्रकार स्थिर नहीं होगा अपने केंद्र पर, तब तक वृत्ति संतुलित नहीं बन सकती। ठीक ना, कंपास अंग्रेजी में कहते हैं कंपास। ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य की बुद्धि भी चारों ओर घूमती है। तो केंद्र के आधार पर तीन प्रकार के प्राणी जीवन जी सकते हैं। जो सबसे नीचे का स्तर है राक्षसी वृत्ति, वहां पर केंद्र स्थिर नहीं रहता, यानी वह झूठ के ही आधार पर सब चलता है। यानी धरती पर जितने प्राणी झूठ बोलते हैं वे सब के सब पापी हैं। पापी यानी राक्षस। ये राम खिलौन भैया ने, तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी महाराज, सब तो एक को मनैया नहीं बह नहीं, क्योंकि संसार जगत में आज जितने वंदनीय पद है, चाहे वह विश्व धर्म संगठन का अध्यक्ष हो, चाहे विश्व धर्म गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, या किसी पीठ का महंत हो, या बाकी जो कुमार्ग पर गुरु बना के बैठे हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कपट न हो। तो कपट क्या होता है? विचार, कर्म और वाणी में अंतर। श्री गणेश जी, आप पूरे धरती पर खुला हुआ अवसर दे दीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर कपट न हो। और इस बात का खुलासा वर्तमान चित्त को श्री शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, वह भी हिमालय क्षेत्र में। तभी यह शरीर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का पूर्ण परित्याग कर शंकर जी के आज्ञा के अनुसार धरती पर विचरण कर रहा है। और यह शरीर जो आप लोग अपने नेत्रों से देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा नियंत्रण भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। इस शरीर के अंदर जीभ, नाक, आंख, कान, चमड़ा, धन, वंश, चेला, नाम एवं पूजा प्रतिष्ठा पाने की कामना का जगह नहीं है। तो यह जो 13 फरवरी दिन सोमवार और शिव जी के एक विशेष सेवक श्री राम खिलावन जी के सौजन्य से, यानी संकल्प से
जो पूरा श्री रामचरितमानस सुनने का आधार बन पा रहा है। तो उसके एक पारायण की विधि है। ऐसा नहीं कि बस वैसे ही आए और बोलना शुरू कर दिए। तो जो भी महानुभाव परम पद पाने की इच्छा रखते हो, परम पद यानी प्रभु श्री राम जी का चरण, वही परम पद है, क्योंकि वही परम पिता परमेश्वर है। तो देखिए, वैसे भी समझ में आ रहा है कि जो उनके चरण तक पहुंचा रहेगा वही जीव तो वहां तक पहुंचाएगा, और जो वहां तक पहुंच जाएगा वह निश्चित है कि उनके चरित्र को ही लेकर चलेगा। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, यदि एक लोटा पानी ले जाकर गंगा जी में डाल दीजिए, डालने के तुरंत बाद वहीं से पानी उठाइए, लेकिन जो पहले का पानी ले गए हैं उसके गुण में और उस गंगा जल के गुण में पूरा का पूरा परिवर्तन रहेगा। तो यह माता सावित्री के पवित्र भाव के द्वारा उत्पन्न यह रविशंकर का शरीर पंडित श्री शिवबली पांडे जी के कुल में पुत्र के रूप में जो प्राप्त हुआ है समाज को, उस शरीर को समाधि तक की अवस्था प्राप्त हो गई और पूर्ण श्वास ही, संपूर्ण श्वास ही भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित हो गया, और धीरे धीरे आप सभी लोग अनुभव कर ही रहे हैं। तो जैसा देखते हैं संसार में तमाम प्रकार से आस्था का एक आधार बनाए, देवी मैया, हनुमान जी, शंकर जी, भगवान राम जी, सबकी मूर्तियां होती है, लोग जाते हैं पूजा करते हैं। तो पूजा का अर्थ होता है कि जो उनका चरित्र है वह स्वतः के शरीर में आ, शीतला माई का पूजा करता है, तेकर अथवा मन बिल्कुल शीतल होए के, संतोषी माई का पूजा करता है तेकर अथवा कि पूरा मन स्वभाव में संतोष होना, यही न। उसी प्रकार से अगर शिव जी का पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल औढ़र दानी होना, ठीक न। श्री राम जी का अगर चरण छू रहे हैं तो निश्चित है कि मोह माया और निजी इच्छा कुछ भी नहीं होना। माता सीता जी के चरण छू रहे हैं तो निश्चित है कि शांति, सुमति और पवित्रता का भाव होना चाहिए। वो भी स्वभाव के अंदर, सरजू भाई, दिखाने के लिए। यदि माता पिता ने सरजू नाम रख दिया तो बिल्कुल सरजू के समान पवित्र होना, ठीक ना? नहीं तो अपना नाम बदल के खरगू रख लेना, ठीक ना? अगर गणेश नाम रख दिया गया है तो बिल्कुल जो है गणेश जी यानी पवित्र बुद्धि का आधार होना, ठीक ना? राम खिलावन जी नाम रख दिया गया है यानी कि मात्र श्री राम जी को खिलाने वाले दशरथ जी का पवित्र चरित्र होना, ठीक ना? निषाद राज बने हैं
तो जितना जो है कि श्री निषाद राज जी का भगवान श्री राम जी के लिए प्रेम रहा, यानी इतना प्रेम रहा कि सबसे कहन कि जात जा अपन भजन करो घरे, हमें कभी भूले, लेकिन निषाद राज जी से कहन आवत जात रहे नहीं, तो यह प्रेम को दर्शाता है। तो उतना भाव प्रभु के प्रेम में रहे तब तो किसी से कहिए कि मैं जात का निषाद, नहीं तो वह भी मत बताइए नहीं। और राम जी को तो पूरा राम जी का ही चरित्र होना। तो देखें विधि पूर्वक पाठ करने वाले जो महानुभाव है उनको पाठारंभ के पूर्व इस महाग्रंथ को धरती पर लाने वाले श्री शिव जी और माता पार्वती जी का दर्शन प्राप्त करने वाले परम पवित्र संत श्री तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीता राम जी का आवाहन खोडसोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ है कि चूंकि चित्त को कपट से बिल्कुल मुक्त रखना है, तो जब इन लोगों का ध्यान रहेगा तभी कपट से मुक्त रख पाएंगे। उसके बाद श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः इस प्रकार से है। सबसे पहले श्री तुलसीदास जी के लिए तुलसी क नमस्तुभ्य मिहा गक्ष सुचिव्रत अनैरित्य उपविषेदम पूजनम प्रतिगृहताम ओम तुलसीदासाय नमः। ऐसा भाव आते ही चित्त में यह अनुभव हो जाए कि अब मेरी मन की अवस्था को तुलसीदास जी देख रहे हैं, ठीक ना राम कृष्ण भाई, कि आप कुछ अलग से तो नहीं सोच रहे हैं, इतना भाव हो जाना चाहिए। उसके बाद श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुभ प्रद उत्तर पूर्वयोर मध्ये तिष्ठ गृहीष्व मे अर्चनम ओम वाल्मीकाय नमः। श्री तुलसी जी का ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है और श्री वाल्मीकि जी का ध्यान करने से शुभ यानी गणेश जी की बुद्धि
प्राप्त होती इन दोनों महान संतों का आवाहन करने के पश्चात तब गौरीपति यानी श्री शिव जी का ध्यान करना चाहिए कि गौरीपते नमस्तुभ्यम इहा गच्छ महेश्वर अपूर्व दक्षिण और मध्य तिष्ठ पूजा गृहाण में ओम गौरीपते नमः। श्री शिव जी का आवाहन और पूजन करने के पश्चात श्री लक्ष्मण जी का वो भी माता उर्मिला जी के साथ आवाहन और पूजन करना चाहिए और हमेशा करने के बाद तुरंत समझ लें कि हमारी मन के अवस्था को ये सभी लोग देख रहे हैं और इनसे कोई कपट नहीं कर सकता है। तो श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रियः याम भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में ओम श्री स्वपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। लक्ष्मण जी का आवाहन करने के बाद श्री शत्रुघ्न जी का जिनकी पत्नी है श्रुति कीर्ति आवाहन करने का प्राविधान है कि श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य मिहा गच्छ सह प्रियः अपीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुस्व मे ओम श्री स्वपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। तत्पश्चात श्री भरत जी का माता मांडवी के साथ आह्वान और पूजन करने का प्राविधान है कि श्री भरत नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रियः अपीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा गृहाण में पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा गृहाण में ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। भरत जी का आह्वान करने के बाद तब श्री राम जी के परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का आवाहन करना ठीक नहीं कि श्री हनुमान नमस्तुभ्यम इहा गच्छ कृपा निधे पत्नी के साथ नहीं इनके क्या पत्नी अपूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो श्री हनुमते नमः। देखें
श्री राम जी का चरित्र है और वंदना किया जा रहा है उनके भक्तों की। तो सेवक सबसे पहले आते, ठीक ने, सीताराम, राधे श्याम, ठीक ने। तो सीता और राधे क्या है? सेवक। और राम और श्याम क्या है? स्वामी। इसलिए सेवक को हमेशा आगे रखते, इसीलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान, ठीक ने। तो अथ प्रधान पूजा च कर्तव्य विधि पूर्वकम् पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानम कुर्यात् परस्य च। यानी इस प्रकार प्रधान पूजा करने के बाद अपने मानसिक अवस्था को बिल्कुल स्थिर रखते हुए राम किलावन भाई, ठीक ने, तब ये जो पुष्प लेकर के चढ़ाते हैं प्रभु के चरण में, तो उसके लिए देखिए बड़ा विशेष मंत्र है। और यह संस्कृत इतना जानता नहीं है मस्तिष्क, फिर भी रक्तांभो जलदाभिराम नयनम पीतांबर पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यायमृत सागरम प्रिय गणैर भात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम् भक्तेश्च सिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजाम च वायु पुत्रादि भीर्युतः। ऐसा कहके प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि देना चाहिए। सुवर्ण रचितम राम दिव्यास्तर दिव्यास्तरण शोभितम आसनम ही मया दत्तम गृहाण मणि चित्रितम। नित्य तो है कि सोने की भगवान की मूर्ति हो और सोने के ही आसन पे उनको विराजमान। तो मन से तो बना सकते हैं ना, स्वर्णिम राम जी को मूर्ति बना लीजिए और आसन दे के अपने चित्त में बैठा लीजिए और उनको बैठा लेंगे, तब जो है मन इधर उधर भटकेगा। उसके बाद आचमनी करने का नियम है, अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्याम नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः इति मंत्र त्रयेन आचमनम कुर्यात् श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। उसके बाद करण न्यास। यह सब व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे पता चले कि प्रत्येक अंग की सक्रियता मात्र प्रभु श्री राम जी से ही है। इसलिए अंग अंग में श्री राम जी को ही अनुभव करें, ठीक ने। तो
अब देखिए अंगूठा से कुछ भी काम करते हो उसमें तीन उंगली बहुत जरूरी, तीन तो बहुत जरूरी है, बाकी का सहयोगी है सब। तो जग मंगल गुने ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, अंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐसा चौपाई पढ़ के तर्जनी और अंगुष्ठा को स्पर्श करना और राम राम कही जे जमुहाही, अति नहीं न पाप पुंज समुहाही। ओम तर्जने तर्जनी भ्याम नमः, वही तर्जनी अंगूठा से स्पर्श करना और राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। मध्यमाभ्याम नमः, यही मध्य वाली अंगूठी। उमा दारू जो सित की नाई, असब ही न चावत राम गोसाई। ओम अनामिका भ्याम नमः, इसको अनामिका कहते हैं। और देखिए करोड़ों जन्मों का पाप इसी कानी उंगली का काम है, इसी से कट जाए। इसको स्पर्श करते हुए बस एक चौपाई कहनी है। भगवान श्री राम जी अपने श्री मुख से विभीषण जी से यह बात कहे है कि सन्मुख होई अजीव मोही, जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। कनिष्ठिका भ्याम नमः, यानी जीव जैसे ही मन वाणी कर्म से मेरे सन्मुख हो जाता है उसका करोड़ों जन्म का पाप उसी क्षण नाश कर देते। आज कोई मन से भी सन्मुख, क्योंकि अहम या अहम से उत्पन्न जितने भी भाव है, यदि वह भाव है तो इसका अर्थ है कि वह मन से शरणागत नहीं है। तो सबसे पहले मन से श्री राम जी का सेवक बने। तो श्री राम जी का सेवक कैसे बनेंगे? जब यह विचार उत्पन्न हो जाए कि मात्र प्राण के द्वारा ही यह शरीर चल रहा है, यह समझने में कोई असुविधा नहीं। प्राण के दाता है श्री शिव जी, यानी यह प्राण है श्री शिव जी का, यानी श्री शिव जी इस शरीर के स्वामी है और यह शरीर सेवक है। और शिव जी का जो परम पवित्र प्रेम रूपी उनके हृदय का मकरंद है, उस मकरंद का पान करने वाले भौरा है श्री राम जी, अर्थात श्री राम ही जी हम सभी के अंतोगत्वा लक्ष्य है। तो सबसे पहले तो सेवक भाव उत्पन्न हो, तब तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो ऐसा भाव जिसको प्रकट हो जाए तभी तो श्री रामचरितमानस सुनने का वह अधिकारी है। अमाम भीरक्षय रघुकुल नायक, अधित बर चाप रुचिर कर सायक। ठीक ने? तात्पर्य है कि हे प्रभु,
अपना पीताम्बर से तरकस कसे हुए बाणों से जो भरा हो और धनुष धारण किए हुए मेरे हृदय में विराजमान हो, और जब प्रभु हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब मन के पास ताकत नहीं है कि वो यहाँ वहां भटक। तो जब यह स्थिति आ जाए, ठीक ना, तभी तो भक्ति पूर्ण। इसलिए कभी भूल के सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि आप गलत सोच रहे हैं तो प्रभु आपके सोच को नहीं देख रहे हैं। वो आप शुरू करते उसके पहले ही वो समझ जाते, लेकिन है इतने कृपालु कि कुछ बोलते। ब्रह्मा जी ने जितना आयु दिया है वो पूरा निष्ठा के साथ बिना किसी लालच के साथ देने वाले। एक वही श्री राम ही जी हैं जिनका कोई स्वार्थ रहित सखा सब ही के, बाकी सभी के सभी स्वार्थी। ठीक न गणेश जी? तो इसके बाद हृदयादिन्यासः, अब देखिए हर जगह वही है, अंग अंग में उन्हीं को महसूस अनुभव करना होगा। तो जग मंगल गुने ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। और राम राम कही जे जमुहाही तिनही न पाप पुंज समुहाही। सिर से स्वाहा। और राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। सिखाए वष्ट एवं चुंडी बा वहू के पकड़े गे, माने वो राम जी से बा सब नहीं से बा। उमा दारू जो सित की नाई सब ही न चावते राम गोसाई। कब चाहे हुम, यानी कि अब उन्हीं को बाहर से भी धारण अंदर से धारण कर लिए, अब उन्हीं का कवच जब धारण किए रहेंगे तब कोई मन के पास ताकत नहीं होगा कि इधर उधर भटक जाए। तो सन्मुख होई अजीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। नेत्राभ्याम ओष्ट अमाम भीरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। अस्त्राय फट, श्री राम नाम ही सबसे बड़ा अस्त्र नहीं, भगवान के जाप में लगा रहे कोई कुछ कही, अब ज्यादा तर्क कुतर करबे तो झगड़ा हो जाएगी। तो इतना करने के बाद तब ध्यान करने का नियम कि मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नीलताम रसि श्याम काम यरी हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। अजातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। अभूसुर शशि नव बृंद बलाक
असरन सरन दीन जन गाहक, अभुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित, राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, असुजस पुराण भी दित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, अकलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। इन्हीं चौपाइयों के साथ श्री राम जी का ध्यान करना चाहिए और इसके पश्चात इतना कर्म हो जाए तभी श्री रामचरितमानस का प्रारंभ करना चाहिए, इसके पहले कोई जगह नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।